सभापति महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने ये जो हमारे भारत वर्ष का अमृत काल है, इस अमृत काल के जो आने वाले 25 वर्ष हैं, उसमें हमारे भारत की क्या दशा रहेगी, क्या दिशा रहेगी, उसके बारे में जो ये बजट पेश किया गया है, ये इस अमृत काल का पहला बजट है जो कि सशक्त, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आज जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उसकी जो हालत है, चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, चाहे हम कोविड महामारी की बात करें, आज जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डावाडोल हो रखी है। आप ये देखिए कि 22-23 के अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7% रहने का अनुमान है, जो कि दिसंबर 2022 में आरबीआई के अनुमानित 6.8% से अधिक है। वैश्विक जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 1.7% है और हम लोग कहां पर हैं आप देख सकते हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.6 रहने का आगे आने वाले समय में अनुमान है और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जिसको ब्राइट स्टार जो है वो विश्व में कहा जाता है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो जब भी हम किसी के साथ तुलना करेंगे तभी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पर खड़े, क्योंकि अगर हम देखें तो आज दुनिया की महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन रेट जो है, वो भारत की 5.72 है और दुनिया में अमेरिका जो है, जिसको विकसित देश कहा जाता है, उसकी 6.50 है, ऑस्ट्रेलिया की 7.8% है, जर्मनी की 8.7% है, यूके की 10-11% है, टर्की की तो 60% है, रशिया की 12% है। तो आज ये सब अगर हम अपनी इन्फ्लेशन को 5.72% तक ला पाने में कामयाब हुए हैं तो उसके पीछे कारण है आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि किस तरह से हमारे देश को हम आत्मनिर्भर बनाकर आत्मविश्वास से जो हमारा देश आज की तारीख में भरा है। क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से देश जो हैं वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या अपनी स्टेटमेंट देखें, और हमारे जो आदरणीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने जिस सूझबूझ के साथ, डिप्लोमेटिक तरीके के साथ विश्व स्तर पर यह कहा है कि रशिया जो है उससे हम तेल लेंगे क्योंकि हमें जरूरत है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि भारत किसी भी कीमत पर युद्ध के फेवर में नहीं है। तो एक इतने अच्छे डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है कि जिससे जो हम रशिया से तेल ले पा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा आत्मनिर्भर भारत हम बनते जा रहे हैं। और वैक्सीनेशन में भी आप ये देखिए, आज इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी भारत की जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखिए कि 10वें नंबर से हम छलांग लगाकर आज विश्व की अर्थव्यवस्था में आज हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, और आने वाले समय में जिस तरह से हम एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो 2nd और 3rd नंबर पर बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। ये जो सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है, इसके अंदर हम चाहे युवा की बात करें, महिला की बात करें, किसान, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी क्लास की बात करें, सबका कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है उनको कोई ना कोई इसमें फायदा मिलने वाला है। सभापति महोदय, मुझे ध्यान आ रहा है कि आरबीआई के अनुसार बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनकी अर्थव्यवस्था जो है मंदी के दौर से गुजर रही है, और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1,00,000 करोड़ रुपया राज्यों को देने के लिए कहा है, ताकि छोटा किसान जो है उसको फायदा मिल सके, और इसके लिए कोऑपरेटिव स्टोर जो है वहां पर बनाए जा सके, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा सके, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को मदद मिल सके, यूनिटी मॉल बनाए जा सके। और इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दिनों दिन तरक्की कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि लालू यादव जी जब रेल मंत्री होते थे तो 2008-09 में उन्होंने 37,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और 155 किलोमीटर के करीब उन्होंने कंप्लीट किया था रेलवे ट्रैक को, और उसके बाद 8-09 में उन्होंने 350 किलोमीटर, और उसके बाद जब ममता दीदी आई तो ममता दीदी ने यह क्लियर किया कि बेस्ड ऑन द रिव्यू इट इज वेरी क्लियर दैट द अनरियलिस्टिकली हाई टारगेट सेट इन द इंटरिम बजट आर नॉट सस्टेनेबल एंड वॉरेंट अ मिड कोर्स करेक्शन। तो उस समय में उन्होंने क्या कहा था लालू जी ने, अभी हमारे गोपाल जी यहां बैठे हैं, तो उन्होंने कहा था कि गोपाल बाबू तुहार चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमने बहुत बड़ा पखाना बना दिए हैं।
तो उन्हें कहा कि आप तो रेलवे मंत्री हैं, आपने पखाना कहां से बना दिए? तो बोले कि अरे हमने 130 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा दिए, वहां पर लोटा लेके जाओ और आप जरूरत नहीं है आपको पखाने की। ये पहले की अर्थव्यवस्था जो है, पहले का ये सोच रहती थी पहले के आप देखिए कि मंत्रियों की। और आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ घरेलू शौचालय बनाकर जिस तरह से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को इज्जत घर बख्शे हैं, मैं बहुत बहुत इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट सिटी का जरूरत नहीं है, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। कहने को कह देते हैं, लेकिन जब वो थे तो उन्होंने स्मार्ट गांव बनाने के लिए क्या किया? आज स्मार्ट गांव बनाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम कोऑपरेटिव स्टोर्स की बात करें, चाहे हम मिलेट्स के लिए बात करें, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको बनाया गया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच यह है कि जो हमारा गरीब किसान है उसको मदद मिलनी चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि G20 कंट्रीज के जितने भी देश के यहां पर प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो लोग पूरे 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 के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह जाकर घूम रहे हैं और उनको जगह जगह मिलेट्स जो है वो परोसा जा रहा है और बहुत खुश वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो जब तक आपकी सोच ये नहीं होगी कि गांव वालों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तब तक आप कैसे, और एक बल्कि कल सवाल भी पूछा जा रहा था माननीय मंत्री जी से, तो वो क्या स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी जो बनाए जा रहे हैं, बल्कि मैं भी आपके माध्यम से पूछना चाह रही हूँ कि स्मार्ट सिटी जो है 100 के लिए तो प्रोविजन रखा था, लेकिन आगे इंक्लूजन और कैसे होगा इसके बारे में अगर वो बताएं तो बहुत बेहतर रहेगा कि क्या उसके लिए स्मार्ट सिटी का स्मार्ट होना जरूरी है, या कि प्रतिनिधि का स्मार्ट होना जरूरी है, या कि वहां के लोगों का स्मार्ट होना जरूरी है। तो ये स्मार्ट सिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है ये अगर वो बताएं तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं बात करना चाह रही थी माननीय सभापति महोदय के, पिछले दिनों मुझे जो है पंजाब में जाने का मौका मिला, लुधियाना में, गुरुओं की धरती है, और वहां पर जिस तरह से लोग जो हैं आज की तारीख में बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में चाहे हम देखें, चाहे वहां पर अर्थव्यवस्था के मामले में हम देखें, क्योंकि मेरा जो लोकसभा है वो बिल्कुल बॉर्डर पे आता है और हमारी कोशिश है कि हमारे युवा नशे से दूर रहें। पर तुहानू पता ही है कि वो जड़े मुख्यमंत्री ने, वो पहले इत्थे सांसद भी होंदे सी, ते उन्होंने की कीता है उत्थे जाके, नशे च वो किवें गल कर सकते ने जड़े आप नशे च रहिंदे सी। तां इस करके मैं तुहानू रिक्वेस्ट करदी हां कि पंजाब दा जड़ा है वो सेंटर दी सरकार है वो ध्यान रखे, वह गुरुआं दी धरती है, तो उत्थे लोकी जड़ा ना वो बड़ा चाहुंदे ने कि वो हरियाणा च आके अपना बिजनेस कर सकन। तां इस करके मैं कह रही सी कि जदों भी पंजाब तुसी भी, तुहानू भी जे मौका मिले जाण दा, तुसी उत्थे जाके वेखना कि इत्थे साडी बीबी बैठी सी, वह भी कह रही सी देखिए सरकार ने जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन के लिए कहा है, अगर क्योंकि मेरा जो इलाका है वहां पर भी कॉटन बहुत ज्यादा उगता है, तो आप देखिए यहां पर सभापति महोदय कि उसको पीपीपी के माध्यम से वहां पर प्रोडक्शन जो है हमारी आज की तारीख में 350,000 से 400,000 बेल्स होती है, और एक बेल जो है वो 170 किलोग्राम के बराबर होती है, और हमारी 1 मिलियन की जो है हमारी कंजम्पशन है, आप ये देखिए तो कम से कम भी आप अगर मान के चले 600,000 बेल्स जो है हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। सरकार की ये कोशिश है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है पीपीपी के माध्यम से वहां पर बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों को इंपोर्ट ना करना पड़े। मैं चाहती हूँ बीबी हरसिमरत कौर भी सी, असी भी मेरा भी जरा इलाका उत्थे कॉटन बहुत ज्यादा उगदी है, तो उत्थे जे आप करांगे तो साढ़े किसानों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो तुहाडे माध्यम तो मैं कहना चाहनी हूँ कि मेरे जिहड़ी इलाके च रेलवे का बजट कितना ज्यादा वधाया है, तो नरवाणा सिरसा मंडी डब वाली उत्थे रेलवे स्टेशन से आधुनिकरण दा वास्ते करता है, पर मेरी कोशिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जिहड़ा फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट है उत्थे भी सानू चाहीदी रेलवे फैसिलिटीज। तो इहदे साथ साथ मैं कह रही हाँ माननीय सभापति महोदय कि जिहड़े नशे वास्ते ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਚਾਹੀਏ ਦੇਖਿਏ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੋਂ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਟਰੂੰ ਨਾ ਡਰੂੰ ਅਰੀ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲੜੂੰ निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुजरात भी ऐसी जीत हासिल की है। एक मिनट के लिए अभी पिछले दिनों कांग्रेस के लोग जो है बार बार चिल्ला रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, तो मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगी अंत में सभापति महोदय कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, वो सलीबों के करीब आए तो हमको
कायदे कानून समझाने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति।